मगर जैसे कॉफी चाय मैं दूर रहता हूँ इनसे, और पायल कॉफी पीती है। अब कॉफी तो पीने दो तो बाकी यही है इनके लिए। पायल, हाँ, मैंने खाना बनाना सीख लिया। मैंने रेसलिंग देखा था लास्ट ईयर क्योंकि कुछ हमारे रेसलर्स ओलंपिक्स में थे एंड संग्राम जी रेसलर हैं, बट मैंने प्रोफेशनल रेसलिंग भी देखी इनकी, तो देखती हूँ थोड़ा बहुत। मगर एक्चुअली ये अच्छा हुआ कि बाकी अपने स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेटर हैं उनको हम जानते थे, अब मैं शो में आया तो हर आम आदमी काफ़ी प्यार दे रहा है, इज्जत दे रहा है कि एक रेसलर का मतलब एक पहलवान वो होता है जो हर चीज़ में प्रथम होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होता है, पहलवान होता है। तो इस शो में आने के बाद वाकई अच्छा लगा कि पब्लिक को बारे में पता, पब्लिक को पता चला कि और भी स्पोर्ट्समैन हैं। जैसे मैं उस शो में था, मेरे दोस्त थे, कोई बात आती थी, हमने इंडिया टीवी का अवार्ड जीत रखा है, हमने उसका अवार्ड जीत रखा है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत रखा है, तो मैं हंसता था यार ये तो यही ये वाकई इनकी दुनिया सही है या फिर जहाँ से मैं आया हूँ वो सही है, क्योंकि इसको कहते हैं जो एक रियल लाइफ है ना, जेन्युइन लाइफ है ना, वो बिताओ। आप किसी के सामने मत दिखाओ कि हमें ऐसे जीना है यार, सामने वाले तो 2 लाख खर्च दिए, हमें 4 लाख खर्चने पड़ेंगे, नहीं, जो आप जैसे वैसे ही रहो, जेन्युइन रहो और हर पल खुश रहो, इन्जॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी में जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। और मैंने पहले ही बोला कि मेरी ज़िंदगी में नो नामक कोई शब्द है नहीं, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जब मालिक की दया से मैं एक व्हील चेयर से उठ के एक छोटा मोटा रेस्लर बना दिया उन्होंने, जो मुझे नहीं पता था कि इंटरटेनमेंट क्या है, ये शो क्या है, फिल्म क्या है, अभी मालिक की दया से मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफर हैं और मैं अपना एडिक्शन ठीक कर रहा हूँ और काम वही करूँगा जो अच्छा होगा, जो आप सभी पसंद करें, सब अच्छा लगे। तो एक हंस रहा था, एक डायरेक्टर साहब आ गए मेरे पास, प्रोड्यूसर साहब, तो मैंने कहा फिल्म ऐसी बनानी है कि आप ही फैमिली कितने आदमी हैं, बोला 5। मैंने कहा मेरी में 3, तो 8 बैठ के हम आराम से देख लेंगे, अगर फिल्म बनानी है तो कर लेते हैं, तो काम वही करेंगे जो अच्छा हो ताकि सब देख सकें। और ये फेमिना भी वाकई बोल रहा हूँ, वैसे बोल के मत देखो क्योंकि डरा रहे हैं दूर से, तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप तो आपसे जैसे मीडिया है एक आईना समाज का, आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितना मैं ऐसी कोशिश होगी जितना अवेयर कर सकूँगा यूथ के लिए, क्योंकि इंडिया में यूथ अपनी जनसंख्या के हिसाब से 35% है, जो वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है, उसके बावजूद हम थोड़ा डाउन जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे यूथ में अवेयरनेस हो। अब मैं हर सिटी में कोशिश कर रहा हूँ फिटनेस अकेडमी खोलूँ, यानी कोई खुद मुझे पैसे कमाने हैं या खुद अपना नाम देना नहीं, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे बिल्कुल हरियाणा बना दें यार, हरियाणा में काफ़ी स्पोर्ट्स है, काफ़ी वो है, तो मैं भी नागपुर जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट किया कि 1000 रुपये में एक बच्चा पढ़ लेता, अगर आप आओगे तो 20-30 बच्चे पढ़ जाएंगे। तो मुझे पता चला यार ये बात है, मैंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, मैं 20 तारीख को नागपुर जा रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर मेरे जाने से मैं जरिया बनता हूँ कि 20-30 बच्चे पढ़ते हैं, करने वाला मालिक है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा कर सकूँ सबका अच्छा करूँ। जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, फेमिना में आप आए इस बार, ये एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा क्या, आप नेक्स्ट टाइम फिर से आना चाहेंगे? बिल्कुल आऊँगा मैं अगली बार, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ के आऊँगा कि क्या फेमिना है, ताकि मैं कुछ बोल सकूँ। और ये मैगजीन है, मुझे पता चला कि एक मैगजीन है अच्छी है, और पायल ने बोला और जो इन्होंने भाई साहब ने बोला तो आया, और वाकई अच्छा लगा यार, जाओ जाओ देखो, बाहर निकलो तो देखो अच्छा है। आई थिंक फेमिना दिस फेस्टिव कलेक्शन विल ऑलवेज रिमेन क्लोज टू मी। आई अटेंडेड बैक टू बैक टू इवेंट्स, एक जब संग्राम जी बिग बॉस में थे एंड अभी जब संग्राम जी बाहर है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फेमिना एसोसिएट्स इज ऑलवेज हैज अ कैप्शन ऑफ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, इट ऑलवेज फैसिलिटेट्स अ स्ट्रॉन्ग वुमन, अ इंडिपेंडेंट वुमन। मैं कहूँगी मैं अहमदाबाद से आई हूँ, एक स्मॉल टाउन जो अभी नहीं रहा है, अभी इट्स डिवेलप्ड अ लॉट, बट आई हैव सर्वाइव्ड इन दिस इंडस्ट्री। आई हैव नेवर हैड अ गॉडफादर बैकिंग मी और अ फेमस सरनेम, बट मैंने कुछ अच्छे डिसीजंस लिए हैं, कुछ बुरे डिसीजंस लिए हैं, बट लाइक फेमिना सपोर्ट्स इंडिपेंडेंट स्ट्रांग सर्वाइविंग वुमन, आई थिंक आई हैव सर्वाइव्ड whether good or bad, I have survived in this industry and I think somewhere there is a connection. वैलेंटाइन डे पे संग्राम जी दिल्ली जा रहे हैं, होप वैलेंटाइन डे तक वापस आ जाए। नहीं मैं कहना चाहूंगा कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये जरूरी नहीं कि आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ इसको स्पेंड करो या कुछ करो, ये प्यार का दिन होता है। कोई संत थे वहाँ पे, उनका संदेश और कुछ था, हमने इसका संदेश और कुछ निकाल लिया। चलिए तो आप अपने फैमिली के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी, और बच्चों के साथ ही मना सकते हो जिनको वाकई हमारे प्यार की जरूरत है। मैं वही करने जा रहा हूँ। थैंक यू।